वाइट फ्लावर हॉल होटल मामले में आज अदालत में प्रदेश सरकार ने जो EIH होटल्स ने एप्लीकेशन दी थी उसका जवाब सबमिट किया और उस जवाब में स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहती है। तो जो बात हम मौखिक रूप से कह रहे थे या जो बात हमने एक्शन से पिछले 2-3 दिनों में की थी उस बात को हमने लिखित तौर पर न्यायालय के समक्ष सबमिट कर दिया है और न्यायालय में ये बताया भी गया कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि जो अवार्ड में आर्बिटर ट्रिब्यूनल ने कहा था उन अवार्ड की उन शर्तों को, उन डायरेक्शंस को EIH होटल्स ने पूरा नहीं किया, तो आज की स्थिति में हम इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं। सर, तो एप्लीकेशन दी थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्टे करने के लिए, उस पर रिप्लाई दायर किया गया है और उस रिप्लाई में ये स्पष्ट कहा गया है कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को रिज्यूम करना चाहते हैं और सरकार और कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहती है। आज माननीय उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश जस्टिस सत्यन वैद्य जी की अदालत में मामला लगा था और इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 तारीख को 2 बजे तय हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।